प्रिय भक्तों, जब भी आप शिव मंदिर जाते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, तो आपको क्या ये मालूम है कि शिवलिंग पर शंकर भगवान का पूरा परिवार कहाँ रहता है? भगवान भोलेनाथ के 13 बच्चे हैं और वो सब शिवलिंग के आसपास ही है। देखिए, ये शिवलिंग है और ये है गोल जलाधारी माता पार्वती का हस्तकमल। हस्तकमल पर ही शिवलिंग रखा है और ये महादेव जी का ही स्वरूप है। और जहाँ से जल गिरता है, जो कि शिवलिंग का चरण वाला भाग है, उसका दाया चरण गणेश जी को अर्पित है। ध्यान रखें, शिवलिंग का दाहिना चरण, ना कि हमारा, और शिवलिंग का जो बाया चरण है वो भगवान कार्तिकेय का है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि हमारी साइड वाला नहीं, शिवलिंग की साइड वाला। दोनों भागों का आपने खास ख्याल रखना है। और जहाँ से पानी गिरता है, गणेश जी और भगवान कार्तिकेय के बीच में जो मोटी सी लाइन है, वो है शिव जी की सबसे छोटी पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान। ऊपर से जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है, वो है शंकर भगवान की 5 बेटियां, जया, विषहरा, सामलीवारी, दोतली और देव। अगर आपको समझ में ना आए तो आप स्क्रीन पर देख लीजिए। अब आप समझ ही गए होंगे शिवलिंग पर शंकर भगवान का पूरा परिवार कहां पर है। इसलिए आगे से जब भी आप शिव मंदिर जाए तो सबसे पहले गणेश जी को, फिर कार्तिकेय जी को, उसके बाद अशोक सुंदरी को, बाद में माता पार्वती के हस्त कमल को, और उसके बाद शंकर भगवान की 5 बेटियों को थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाए, बाकी जल शिवलिंग पर अर्पित कर दे। अगर इस तरीके से आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो शंकर भगवान आपके दुख और कष्ट दूर करते हैं और आपको सौभाग्य प्राप्त होता है। इससे जीवन में हमें मान सम्मान और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, हमें और हमारे परिवार को दीर्घायु का वरदान देते हैं। इसके बाद जब आपने शिव जी के पूरे परिवार को जल चढ़ा दिया, उसके बाद क्या आप जानते हैं कि ये जल कहाँ जा रहा है? प्रिय भक्तों, ये जल सीधा हमारे 33 कोटि देवी देवताओं और 64 योगिनियों को अर्पण हो रहा है। इससे आप समझ ही गए होंगे कि भोलेनाथ अपने आप में कितने अगणनीय हैं। एक शिवलिंग पर जल चढ़ाने से हमें इतने देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। आगे से जब भी आप शिव मंदिर जाए तो शिवलिंग पर जल क्रमवाइज ही चढ़ाएं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख के अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं। धन्यवाद दोस्तों।